respected members, our Honorable Chancellor Sir has joined us. I welcome our Honorable Chancellor Sir, Shri Suresh Jain Sir, distinguished Vice Chairman Sir, Shri Manish Jain Sir, our respected member BOG, Shri Akshat Jain, Honorable Vice Chancellor, Professor Raghuveer Singh Sir, respected principals, directors, HODs and faculty members of Tirthankar Mahavir University. It has been said and believed since long that for any great work to be done, it is important to have a right foundation. It actually forms a platform on which the future stands. This exactly stands true for Foundation Day of TMU. This is the day when the university had its inception and started its journey. Therefore, obvious that this day is special. It is time to reflect on the beginning that took place and how some conceptual changes have come, paving the way for success over the years. Foundation Day is also the day when the past, present, and future of the university come together, taking vows to uplift the university to the greatest possible heights and dimensions. At this point of time, I take the privilege to mention and thank our Honorable Chancellor Sir, who had a vision of imparting such high quality education to the students. Without his vision and constant guidance and blessings, this university would not have become what it is today. Special thanks also to our Honorable Vice Chairman Sir, who have been with the university even since its inception, guides us all the best way possible in every sphere. This university does not only produce highly academically qualified individuals, but people with the overall development and growth. This is what true education is all about. On this occasion, may I now request our Honorable Chancellor Sir to kindly bless all with your kind words. Sir, Namaskar. Namaskar, sir. बारह साल यूनिवर्सिटी के पूरे हो रहे हैं और ये मेरे लिए और आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि 2014 में पास होने के बाद शासन द्वारा इसको चलाने की अनुमति हुई थी तो 14 सितंबर रविवार का दिन था, संडे था और अगले दिन से कनागत लग रहे थे। तब मैंने विधानसभा का कार्यालय खुलवाया और संडे को ही हमें वो परमिशन मिली 14 सितंबर को, क्योंकि अगले दिन से कनागत लग रहे थे। तो मेरे विशेष आग्रह पर प्रमुख सचिव ने वो परमिशन हमें दी। तब से आज तक हमें हमारे बहुत सारे साथी जो यहाँ मौजूद हैं, उन्हें याद होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का लोगों को कंसेप्ट भी पता, लोगों में भ्रम फैल, बाकी लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश करते थे कि ये डिग्री मान्यता प्राप्त है, नहीं है, यहाँ से डिग्री लेंगे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, अलग अलग तरीके के। जो यहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे थे उनको समझाया गया कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री है, ये इक्वल नहीं होगी सरकारी डिग्री के। तो एक साल तक, छह महीने तक इन तमाम चीजों को हम लोग ये ही लोगों को समझाते रहे कि इट इज एज गुड एज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। धीरे धीरे ये सब बातें खत्म हो गई, फिर एक अच्छी एजुकेशन का सवाल आया और मुझे खुशी है कि हमारे पूरे जो साथी उस समय थे वो, या जो लोग बाद में जुड़े वो सभी की अप्रोच यही रही कि इसको आगे बढ़ाना है, इसको बेहतर मुकाम तक पहुंचाना है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोग लगातार, कभी भी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा और इस विश्वविद्यालय की ऊंचाइयों को हम लोग लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं।
कभी कभी लगता है कि शायद हमारी रनिंग जो है वो बहुत फास्ट नहीं है, पर हमारी रनिंग बहुत फास्ट है या नहीं है ये तो दुनिया तय करती है, लेकिन जरूरी ये है कि हमारे जो कदम बढ़ें वो मजबूती के साथ बढ़ें और हमें कहीं भी बैक फुट पर ना आना पड़े, हमारे कोई भी कदम पीछे ना जाए। और भगवान की कृपा से और आप सब लोगों की मेहनत से कभी ऐसा नहीं हुआ 2014 से और अब तक, जब हमने किसी निर्णय को लेने के बाद ये सोचा हो कि ये निर्णय ठीक नहीं था या ये गलत था। सभी निर्णय जो तत्कालीन समय और परिस्थितियों को देख कर लिए गए वो कामयाब साबित हुए। नतीजे के तौर पर आज न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का अपना एक मुकाम है, पूरी दुनिया में हम लोग जाने जाते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि तो जो बच्चे हमारे 2001 से जब हम यूनिवर्सिटी नहीं भी थे वो भी आज इसको जहाँ भी जहाँ है वो इसका नाम ऊंचा कर रहे हैं। लोग एक एक करोड़ दो दो करोड़ रुपए के पैकेज पे काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो टीचर्स आज हमारे साथ हैं, जो आगे जुड़ेंगे, जो अब तक जुड़े हैं, एक ही बात है कि सबका एक ही प्रयास रहता है कि हम इसे आगे बढ़ाएं। अब कोरोना में जिस तरह से बैकफुट पे तमाम यूनिवर्सिटीज आई, चाहे वो सरकारी हों, चाहे वो शासन की यूनिवर्सिटी हों, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हों, और मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोगों ने सबसे पहले ये निर्णय लिया कि हम फाइनल एग्ज़ाम कराएंगे। और तमाम विरोध हुआ, तमाम लोगों ने सोचा कि ये कैसे एग्ज़ाम कराएंगे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि आप सबके प्रयास से और हमारे स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी हमें ज्वाइन करती है उनकी शिद्दत के साथ उन्होंने 98% तक बच्चों ने बैठ के एग्ज़ाम दिया। और बहुत ही अच्छी बात यह हुई कि हमने बहुत ही टाइम से रिजल्ट दे दिया। अभी तक हम रिजल्ट दे चुके हैं, तब भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ये सोच रही है कैसे एग्ज़ाम कराएं, कब कराएं, कब रिजल्ट दें, लेकिन हमारा वो हमने वो काम समय से पूरा कर दिया। और लोगों के लिए एक आदर्श भी स्थापित किया कि किस तरह से ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी समय से एग्ज़ाम भी कराती है, समय से रिजल्ट भी देती है। और हमारे जो फाइनल के बच्चे हैं वो आज इतने खुश हैं कि किसी भी उनके कोलीग का जो कहीं और पढ़ रहा था उसको अभी तक रिजल्ट नहीं मिले हैं, लेकिन वो लोग अपनी मार्कशीट और अपने रिजल्ट दिखाते हैं और अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं और हमारे को, टीचर्स को और हमारी टीम को धन्यवाद देते हैं कि हमने उनका टाइमली रिजल्ट दिया, जिससे वो अपने काम में, उच्च शिक्षा के काम में, अपने बिजनेस में या नौकरियों में जाकर अपना अपनी स्थान, अपना अपना कैरियर बना सके। मैं काफ़ी दिन के बाद आप लोग से रूबरू हूँ, पर मैं 2014 में जैसा था 2020 में भी वैसा ही हूँ, और कोशिश करूँगा कि जब तक आपके साथ रहूँ ऐसे ही बना रहूँ और इस यूनिवर्सिटी को, हिंदुस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी और दुनिया की यूनिवर्सिटी, में एक मुकाम तक इसको पहुँचा सकूँ। आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कोरोना से अपना बचाव रखिए, अपना ख्याल रखिए और यूनिवर्सिटी के ऊंचाइयों के बारे में सोचिए। हर कोई मुझसे सीधे सजेशन दे सकता है, हर कोई मुझसे सीधे सवाल भी कर सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि हम नीचे से ऊपर तक एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और मैं करीब करीब सभी लोगों के लिए ओपन हूँ। सभी लोग सीधे मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। कभी कभी सीनियर लोगों को ये अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं इतने नीचे तक जाके कैसे बात करता हूँ, पर मेरी आदत है शुरू से कि जहाँ पर काम शुरू हो रहा है उसको भी सेटिस्फेक्शन जरूरी है और जो काम की प्लानिंग कर रहे हैं उनका भी सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। इसी के कारण से हम लोग इस कामयाबी तक पहुँचे हैं। हमारे बीच हमारे वाइस चांसलर, हमारे रजिस्ट्रार, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे डायरेक्टर्स, सब लोगों को हमने बहुत ही चुनिंदा लोगों को अपनी टीम में शामिल किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि सब लोग दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं और इस कोरोना काल में भी शायद हम बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद है कि बाकी बहुत सारे और लोगों से हम बेहतर रिजल्ट देंगे भी और बेहतर भविष्य की हम लोग कामना भी करेंगे। इसी के साथ पुनः
आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। ये टीएमयू परिवार आपके आशीर्वाद, आपके प्रयासों की वजह से ही आगे बढ़ रहा है। आपने जो कदम ये उठाया है समाज के लिए, मुरादाबाद के लिए, आपके ही इस कदमों से आज यहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य बन रहा है। आपके ही इन प्रयासों के कारण कितने ही परिवारों का भरण पोषण हो रहा है सर। We all are thankful and grateful to you, sir. We always be in need of your blessings, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. मनीष जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यूनिवर्सिटी के हमारे आज 12 साल हमारे पूरे हुए हैं, बहुत बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग उस टाइम हमारे साथ थे, उसमें से मैक्सिमम लोग आज भी हमारे साथ हैं, जिनके प्रयासों से और जिनके बलबूते पे हम आज इस यूनिवर्सिटी को और ज्यादा ऊंचाइयों पे और ज्यादा इसको आगे ले जा रहे हैं। रियली हम उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल है, पूरा टीएमयू परिवार उनके लिए ग्रेटफुल है कि वो लोग अपने तन मन से लग करके इस यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हैं और इस यूनिवर्सिटी को आगे कैसे ले जाए उसके लिए अपना प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम भी नहीं गिनूंगा, गिनना चाहूँ तो मैं गिन नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ये मतलब जो शुरू से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी लोग हैं जो इस प्रयास को पूरा कर रहे हैं। मैं काफी टफ टाइम है ये कोरोना का, और इस साल हम लोग सबसे बड़ी हमारे लिए चैलेंज है कोविड 19 जो है वो हमारी हॉस्पिटल की हमारी पूरी टीम, चाहे वो डॉक्टर्स हों, स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, कोई भी हो, वो बेचारे अपने पूरे तन मन से लग करके कोविड-19 का मुकाबला कर रहे हैं। और ये हम लोग जो हॉस्पिटल का काम कर रहे हैं और जितने लग के कर रहे हैं वो उसकी वो एक मतलब मिसाल है। पूरे यूपी में हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उसके लिए हमारे को अभी मुख्यमंत्री जी ने जब वो हमारी कोविड-19 की मशीन का इनोग्रेशन था तब उन्होंने इसको सराहा भी था। तो मैं अपने पूरी मेडिकल टीम के जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी लोग जो उसमें लगे हुए हैं, उन सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इसी प्रकार से वो लोग लगे रहे, उनके प्रयास रियली मतलब काउंटेबल है कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने घर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बट उसके बावजूद भी कोविड-19 का जो चैलेंज है उसका डट करके मुकाबला कर रहे हैं। तो मैं उन सभी के प्रयासों को बहुत बहुत सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं इसी तरीके से हम लोग आगे और इस जो चैलेंज जो फेस आया है इसका मुकाबला करेंगे और जल्दी ये कोरोना कोविड-19 है इससे हम छुटकारा पाएंगे और आगे हम अपने जैसे रेगुलर हमारा रूटीन होता था उसकी रूटीन से हम कार्य करेंगे। और अकेडमिक सारी चीज़ें हैं उसमें हमारे वाइस चांसलर साहब और जितने हमारे जॉइंट स्टार्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सब लोग भी एक अलग ही काम कर रहे हैं जो एक सबके लिए एक चैलेंज है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको अच्छे से अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, चाहे वो अकेडमिक्स पढ़ाई का अपना शेड्यूल हो, चाहे वो प्रैक्टिकल्स हो, चाहे वो अटेंडेंस हो, कुछ भी हो, चाहे वो एग्जाम जो भी कराना है उस सबके लिए लग करके कर रहे हैं और पूरी टीम इस काम को अंजाम दे रही है। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर रघुवीर सिंह जी के नेतृत्व में सारी चीजें वहाँ पे अकेडमिक्स के तौर पे काफी अच्छे तरीके से की जा रही हैं। मैं सभी लोगों को आज यूनिवर्सिटी के इस 12th फाउंडेशन डे के अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से ये हम सब लोग जुड़ करके काम करते रहेंगे और इसको आगे नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। Thank you, sir. Thank you for your blessings. Thank you for your guidance. You have always given us a support and force to work in our direction so that we are able to work in an environment where we can take this university to our next level. Now I request our Honorable Vice Chancellor, sir, Professor Rajiv Singh, sir, to please say a few words on the occasion of our Foundation Day. Sir, please.
ऑनरेबल चास्टर सर, मनीष जी एंड ऑल अदर माय कलीग्स, इट्स वन ऑफ दोज डेज विच वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर, द फाउंडर्स डे. दैट मीन्स द डे व्हेन वी लेड द फाउंडेशन टू दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन. It's a little unfortunate that we were not able to, you know, celebrate this day with a lot of pomp and show. But in spite or despite of that, let's continue our journey. For me, it's been last 2 years, and we all must be indebted to our Chancellor Sir for having created such a wonderful environment and infrastructure, all kinds of, whether physical and digital or whatever we want and whatever we need to deliver quality education. Having that kind of infrastructure should motivate all, and we all should feel proud that we work in a wonderful institution led by our Honorable Chancellor. Now, having created such a wonderful infrastructure, now the onus lies with us. Ab ye hamari bari hai that we give a befitting quality to our institutions, so our students. Now, we have been, you know, quite often been talking among ourselves how to improve our quality over a period of time. And we all are happy to note that we have succeeded to an extent. I'm not saying that we have created so many systems and processes which would in fact bring a good quality. There is a long journey for us still, but we have our vision. We know where we want to go. We have already started on the journey, and we have moved quite a far in the journey, but journey still continues, because quality is such a thing which is cannot be achieved. If you achieve a one step, the next step is already ready. But it's good to share, it's good to know, and we all agree that we have brought in good number of systems and processes, and above all created a enabling culture which will help us to develop that education quality. As you probably know, that there are three most important domains in learning. The cognitive domain, that is creating right kind of your curriculum with whatever the UGC recommendations are, whatever we can put into that, enriching the curriculum, trying to bring all kinds of cross disciplinary issues in the curriculum, or all those contemporary issues in the curriculum, and then developing. Most important thing, how do we deliver this curriculum? We have been discussing about bringing experiential learning in our classroom and getting away from that rote learning and passive learning. So that is our next target, that we bring experiential learning, we make our students ready for the corporate, we bring in the so-called technical skills and so-called psychomotor skills, so prepare students that the best of the corporates come to our university. That would be the day when we would call ourselves that, yes, we give quality education to our institution, and we all are working shoulder to shoulder with each other. We all can promise to our chancellor now that within next 1 year we would have a wholesome change the way we deliver our curriculum. That is our promise to our Honorable Chancellor. And I'm sure my entire team would not only support, but enthusiastically would take large number of initiative working towards this objectives. And with this, I would like to thank our Honorable Chancellor Sir Manish Ji for having put their faith into us and taking this university ahead. And I'd like to thank all my colleagues for having supported me for last 2 years. At times I must have been a little harsh, but I try to
have a friendly approach with everybody. I've been trying to help you out, rather helping you with my hands-on experience approach. And I'm sure we will continue to do this, and your cooperation would be most sought after, and our Chancellor's blessings would be a great showering on us, so that together we achieve what we want to achieve. Thank you. Thank you, and all the best to you. Thank you, sir. Thank you for your kind words. Your academic excellency will take this university to the next level of excellence and achievements. Thank you, sir. Now, may I request our senior, one of the very old and very senior member of our TMU family, Shri S.P. Jain sir, Director of Admissions, to please say a few words on Foundation Day. Sir, please. Sir, unmute kar lijiye aap. Sir, unmute kar lijiye please. Hello. Ji sir. आदरणीय चांसलर सर, मनीष जी, अक्षत जी, बहुत बहुत आज हमारे पीएमयू के कलीग्स, आज मैं अपने आप को भी और आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि वो दिन आज हमें देखने को मिला जो हमारे साथी 2008 में नहीं थे. अब जिस प्रकार हमारे चांसलर सर ने मेहनत की, प्रयास किया, एक महीने लगातार लखनऊ में इस यूनिवर्सिटी की वजह से अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ रहे, किन तकलीफों का सामना किया, वो जो लोग थे उन दिनों में जानते हैं. मैं आज चांसलर साहब की दो बातें आपको बताना चाहूँगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के इन्होंने उस पत्नी को बहुत चरितार्थ किया है कि अकेला चलो. कभी भी इन्होंने किसी के साथ की एक्सपेक्टेशन नहीं की और अकेला ही चले. और दूसरी बात जो मैं कहूंगा, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे अनटायरिंग फैसल्टी नहीं देखी जो इस उम्र में भी आज भी 18 से 20 घंटे जो काम करे, वो समझ लीजिए कि आप इस यूनिवर्सिटी को, उनका जो एम है कि 100 यूनिवर्सिटी पर ले जाने का वर्ल्ड की, आप देखिए कि वो ले जाएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है. मगर आप सभी का साथ चाहिए. मुझे अच्छा लगा आज वीसी साहब ने जो एजुकेशन की क्वालिटी के बारे में प्रॉमिस किया है, मैं चाहूंगा कि भगवान उनकी मदद करे और अपने साथियों के साथ जो कमिटमेंट आज उन्होंने किया है चांसलर साहब का, वो पूरा हो, जिससे कि हमारे यहाँ दूर दूर से लोग एडमिशन के लेने के लिए आए. मैं मनीष जी को भी, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और लगातार कंधे से कंधा मिला के इस यूनिवर्सिटी को इस ऊंचाइयों तक ले जाने में जो चेयरमैन साहब का साथ दिया है, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं. मैं अभी अपने सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूँ. हाँ, कोरोना की वजह से आज हमें जो लड्डू का डिब्बा मिलना था वो नहीं मिला, इस बात का हमें अफसोस रहेगा. मगर लेट अस सी, नेक्स्ट ईयर ये हमें जरूर मिलेगा. बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयां चेयरमैन सर को, उनके पूरे परिवार को. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड काइंड वर्ड्स. आई रिक्वेस्ट आवर रिस्पेक्टेड रजिस्ट्रार सर, प्रोफेसर डॉक्टर विवेक रमन सर, टू प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स. Reverend Chancellor, Group Vice Chair Manish Ji, Vice Chancellor Sir, and dear colleagues, the day when we feel that we existed from is always a very important day, and such a day is Foundation Day. This day is indicating that we started existence from effective this day, and is a day that will always count in the life for every person who's associated with TMU, whether now, in future, or in past. It's always a pride to feel that you are part of a system and you carry the flagship whenever you join into it to a further level. And this is what all we need to really do, that whatever we do in the organization, we must do with a spirit and intent to carry a flagship further to different levels.
we all are here contributing to a common cause for the existence of the university, to make it known to the world and people to feel proud to be part of it, be it a student or a fraternity with TMU family. We are doing diverse nature of jobs, and whatever we are doing is always contributing into making the university to have highest level of repute. I'm sure as an academic institution, contribution of academicians is much larger, more so visible than people who work backdrop in support system. But then that's not where we are to limit. We are always to join hands with the faculty and see that we provide them all that necessary support with which they can carry out delivery of education, as our Vice Chancellor mentioned, in a way which really stimulates minds and make them strike problems rather than having a passive education wherein only they read through books and are not able to apply them in day-to-day scenario of life. Everything is changing, and henceforth the education also has to change. With the new policy in place now, the entire focus is that mind shall be stimulated, the education should be stimulator to the young minds to convert them into a think tank sort of a thing, wherein they not only are to identify the needs, the problems, the issues, but also have to strike remedies to it. And that is how the education has now to go on, for which we already had a workshop carried out by Honorable Vice Chancellor, wherein he gave many leads to college principals and faculty to really ensure what we really need to bring into the curriculum, the way we deliver our lectures, or be it a lecture, be it lab, or whatever we do, it shall always be focused with the issue, with the point of view that a student has really not only to learn the concept, but he has also to learn to apply that in a practical way to really see that he handles issues without looking here and there. And with this education policy is now set to take the country to a different level in a global scenario. We very proudly say that we are a country with the highest level of education, technical and otherwise, more English speaking people, but then still we need to really do a lot to see that we become so competitive with the rest of the world that no matter whatever happens, whatever is domain people are looking for services from, we are dominating them all. I wish, under the guidance of the Chancellor and the Vice Chancellor, we will definitely move ahead and carry this flagship, making sure that not only our countrymen feel proud of TMU, but the entire world feels proud of TMU. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your nice and kind words, sir. Now may I have the privilege of requesting our distinguished member of BOG, Tirthankar Mahavir University, Sri Akshat Jain sir, to please say a few words on the occasion of Foundation Day of the University. Sir, please. ये लड्डू तो अगले साल एक नहीं दो डब्बे मिलेंगे सबको. Good. और इसका 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 जिम्मा तो मैं उठा लूंगा. ये तो आप इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए. अक्षत जी, अक्षत जैन साहब को शुगर भी है, उसका ख्याल रखिएगा. लेकिन मतलब फाउंडेशन डे के लिए पहली चीज तो आई वांट टू से कि फाउंडेशन डे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे बिकॉज इट रिमाइंड्स अस अबाउट आवर ग्राउंडिंग्स. इट रिमाइंड्स अस फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड एंड फ्रॉम वेयर वी हैव कम.
We have a lot of miles to go before we sleep, but we have definitely come far, and we need to take pride in the fact that we have come so far. Another important thing is that although we can say that these efforts can be attributed mainly or in a lot of part to one person or to a team of persons, but I think it is important to credit all of us, all of you who are present here, and everyone who has worked here in the past, who's working here in the present, and who will even work here in the future. So I think that this is a time for us to reflect and for us to understand that we have definitely made it very far, but we are going to go a lot further. On this Foundation Day, I would like to congratulate each one of you for all your untiring efforts and your unflinching efforts in creating this university and making this university what it is today. I wish everyone a very, very happy Foundation Day, and we wish that, you know, next year we are going to double down on the celebration. And jaisa maine kaha, laddu ke packet ek nahi do milenge sabko, aur celebration bhi hum chahenge ki isse double josh mein ho, usse aur acche josh mein ho. Aur jab aisa time acha sa aaye ki hum normally ek auditorium mein apne ikhatte hoke ek dusre ke sath ye baatein kar sake और यूनिवर्सिटी को और कैसे अच्छा बनाया जाए, उन सब बातों पे चर्चा कर सकें, ये जब टाइम आएगा तो हम उसके लिए डेफिनेटली वेट करेंगे. बट थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पे सब आए, हम लोगों को सुना, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड योर वर्ड्स आर रियली वेरी मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग. एंड यस, we have this faith and confidence that next year we all will be celebrating this Foundation Day here in our auditorium together, and we'll be having a lot of achievements in this next 1 year. And I pray to God that in the next cycle of NAC we may achieve what our Honorable Chancellor Sir has been always wishing for. I thank you all. Thank you, members.